जैसे श्याम बेटा, कल हमने डिबेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी किया था, डिबेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर डिबेंचर इश्यू किए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने सारा समझा दिया था बेटा आपको, मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूं। कि ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको, मैंने कहा था कि आपको बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शो करना है, किस हेडिंग में, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का लॉन्ग टर्म लॉन्ग फ्रॉम एसबीआई 8 लाख। अपने को सिर्फ ये तो सब, ये तो जो मैंने दिखाया ना, ये 1, ये 2, ये तो आप अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर करोगे उसमें भी दिखाओगे ऐसे ही। बस है क्या कि जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दी है उसको जिस लोन के अगेंस्ट दिया है, जिस लोन के अगेंस्ट में गारंटी दी है, उस लोन के नीचे अपने ब्रैकेट में शो करेंगे। जैसे 10,000 डिबेंचर और रुपी 100 ईच इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, फर्स्ट पार्ट था ये। अब सेकंड पार्ट लिखो, इफ क्या था, एंट्री इज पास्ट, यही था ना बेटा, ये रहा पहला केस कर लिया ना आपने, सेकंड केस लिखो, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ट, व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ट, हेडिंग डालो बेटा, When general entry is passed, आप लिखो इसमें डिबेंचर, एडिंग लगा के लिखो इसमें डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स are recorded in the books of accounts the general entry is passed, the general entry is passed। क्या होगी जनरल एंट्री, सुनो जरा, सेकेंड मेथड बेटा, ये फर्स्ट मेथड और ये क्या हमारा सेकेंड मेथड, सुनना सेकेंड मेथड। अपने को एक टेम्परेली अकाउंट ओपन करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, लिखो बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट भी होगी टू एक्स परसेंट डिबेंचर, आगे बात समझे। अब ध्यान से सुनना प्लीज, अब अगला पॉइंट ये है कि आप एंट्री तो ऐसे कर दोगे, एंट्री पास करें तो ये कर देंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट खोल लिया क्या बेटा, डिबेंचर है सस्पेंस अकाउंट, इसको डेबिट कर दिया और डिबेंचर कर दिया। जब सुन लो ध्यान से, जब कंपनी लोन रीपे कर देगी, जब कंपनी क्या करेगी लोन, तो कंपनी जब लोन रीपे करेगी तो अपनी गारंटी भी क्या ले लेगी, वापस लेगी। ध्यान से सुन लो, एक कदम एडवांस सीख लो, जब कंपनी लोन रीपे करेगी तो गारंटी क्या ले लेगी, वापस। तो उस टाइम आप इस एंट्री की क्या करोगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। समझ आ गई मेरी बात,
क्योंकि अब इस एंट्री की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अब तो लोन वापस हो गया। वो कहेगा भाई डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी थी, कहता हाँ, कहता अब हमने पेमेंट कर दी, अब पेमेंट करने के बाद सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, तो वो इस एंट्री को भी क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो नीचे आप लिखना चाहो तो नोट में लिख सकते हो कि जब कंपनी लोन रीपे कर देगी तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप। When the loan is repaid, when the loan is paid, the above entry is cancelled by passing the reverse entry. When the loan is paid, the above entry is cancelled by passing the reverse entry. जब loan repay कर देगा अब लिखो हाउ टू शो इन बैलेंस शीट, हाउ टू शो इन बैलेंस शीट, हाउ टू शो इन बैलेंस शीट, हाउ टू शो इन बैलेंस शीट इन मेथड सेकंड, इन मेथड सेकंड मतलब मेथड सेकंड में कैसे शो करेंगे। बेटा उसी एग्जांपल में बता दूं जो करवाया था मैंने आपको, लिखवा के समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा, ये देखो दोनों तरफ से कराया था ना मैंने, एक पूरा एग्जांपल लिख दिया था। व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ट नोट पास्ट, ये तो मैंने करा दिया कल आपको। बोलो बेटा व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ट, ये तो करा दिया मैंने आपको। बोलिए When journal entry passed तो मैंने बता दिया ऐसे शो करेंगे। अब सेकंड मेथड करा रहा हूं कि when journal entry is not passed तो करा दिया, when passed तो क्या करेंगे, सुनना कैसे शो करेंगे। पहली बात तो अब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था बेटा, अब मैं सेकंड पार्ट का आंसर कर रहा हूं। यहां पर आपने सेकंड पार्ट का आंसर करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट का कौन सा पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें क्वेश्चन कहता है सबसे पहले तो एंट्री होगी, तो एंट्री क्या इश्यू करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू 9% डिबेंचर। कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए थे बताओ बेटा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आपने, 8 लाख के या 10 लाख के, 10 लाख के। तो ये 10 लाख की एंट्री होगी बेटा। आगे बात सुनिए, अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, देखो इसमें तो बताया दिया था, अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, देखो बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एज एट जो भी डेट होगी, इस साइड का नाम कितना इक्विटी एंड लाइबिलिटी बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी एडिंग में बैलेंस इधर इस साइड का, सो इसमें एडिंग लगेगी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितने का लोन था, 8 लाख का। देखो सेम है यहां पर भी, नोट दिखाएंगे, नोट नोट नंबर 1 बनेगा। देखो यहां पर भी ऐसे दिखाया था, देख लो इक्विटी एंड लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 1 8 लाख, यहां तक सेम है। लेकिन इससे पहले यहां पर इस मेथड में क्या हुई है, एंट्री हुई है, इसमें पहले मेथड में एंट्री नहीं हुई। बोलो बात समझ आई, और यहां पर क्या हुई है बेटा, एंट्री हुई है, ठीक है। और बैलेंस शीट में यह भी ऐसे दिखाया था, ये भी ऐसे दिखाया है। अब आगे नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स, अब इसमें नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म
बोरोइंग का नोट बन रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक है लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई, बताओ कितने का लोन लिया था आपने, 8 लाख का। ये देखो ऐसे इसमें भी दिखाया था, कंपैरिजन कर रहा हूं देख लो इधर, इसमें भी दिखाया था 8 लाख और ऐसे ही इसमें दिखाया 8 लाख। यहां पर क्या हुआ था, कोलेटरल सिक्योरिटी के नोट में दिखाया था बेटा, ब्रैकेट में दिखाया था या नहीं दिखाया था, बोलो बच्चों। यहां पर बस सेम एडिट, अब क्या करना है यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर नोट में नहीं दिखाना आपने, यहां पर दिखाना है 10,009% डिबेंचर। कितने डिबेंचर इश्यू किया आपने, 10,009% डिबेंचर ऑफ रुपी 100 ईच इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, सीएस लिखा शॉर्ट में, इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, बताओ कितने के इश्यू किया आपने, 10 लाख के, आगे बात समझे, और लेस डिबेंचर सस्पेंस कितना, 10 लाख नील। मतलब कि यह तरीका अपनाया नहीं जाता, लेकिन अपनी बुक में दे रखा है, मैंने करा दिया, क्या फर्क पड़ा बताऊं। यहां पर आपने कितना दिखाया था, 8 लाख बैलेंस शीट में, कितना आया, 8 लाख। यहां पर आपने कितना दिखाया, 8 लाख बैलेंस शीट में, कितना आया, 8 लाख। ये तो बस एक शो करने का तरीका है, बस आपसे ये पूछा कि एंट्री पास करते तो क्या एंट्री करते हैं, एक ये बेटा एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पर सिर्फ फुटनोट में दिखा देते हैं, यहां पर डिबेंचर 8 लाख सॉरी 10 लाख और डिबेंचर सस्पेंस भी बराबर में 10 लाख है, तो 10-10 आपस में कटेगा, क्या हो गया, नील हो गया, और एंट्री ये होती है, नोट कर लो इसको आप, ये प्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। अब कई बच्चे कहते सर ये ऐसे क्यों, तो उसका जवाब सुनो, कईयों को अपना हेयर स्टाइल ऐसे अच्छा लगता है, समझ लो, कईयों को बाल बड़े अच्छे लगते हैं, कईयों को छोटे अच्छे लगते हैं बेटा, कईयों को साइड कटिंग कराते हैं, कई कुछ कराते हैं, अपना अपना एक तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, है ना बेटा। आप कभी किसी से बात करते हो, हेलो कैसे हो, ओए कैसे है, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, तो सेम वही बात है, ये प्रेजेंटेशन है, लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ये लगे लॉजिक क्यों नहीं होता है, तो ये भी प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, शायद कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, ए कंपनी टुक ए लोन ऑफ रुपी 4 लाख फ्रॉम द बंधन बैंक लिमिटेड एंड इश्यूड 8% डिबेंचर ऑफ रुपी 4 लाख, 4 लाख का लोन लिया और 4 लाख के डिबेंचर दिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन हाउ विल इश्यू ऑफ डिबेंचर विल डेट विद इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि मेथड फर्स्ट से करना है या सेकेंड से, तो बेटा आप दोनों से कर देना, सिंपल है बिल्कुल, आगे बात समझे, शो करना है सिर्फ, सिंपल है। तो पहला मेथड बेटा, फर्स्ट मेथड, क्या था फर्स्ट मेथड, व्हेन क्या जर्नल एंट्री इज नोट पास्ट, किसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी आपको, किसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी बताओ, कोलेटरल सिक्योरिटी की, बाकी तो करनी है, कहीं का आपको जनरल नोट पास तो कोई पास नहीं करेंगे अपने, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अपने क्या करेंगे, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, सर ये क्या नया वर्ड जोड़ दिया, सुनो बेटा अपने कंप्लीट बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, है ना, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा पार्ट, मतलब जितना वो दिखाना उतना ही दिखाएंगे अपने, कोई एसेट्स नहीं दिखा रहे, रिजर्व कैपिटल नहीं दिखा रहे, मतलब वो एक अकेला उतना ही पार्ट दिखाएंगे। नोट, कोशिश करना इसमें कटिंग ना हो, कटिंग होने में एग्जामिनर को ऐसा लगता है नहीं यार फॉर्मेट में कभी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना, हो जाए तो अलग बात है लेकिन कोशिश ये करना। इस साइड का नाम क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें ये किस में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स, उसका नोट नंबर वन बनाएंगे अपने, कितना बेटा 4 लाख हो गया ये। अब इसका नोट नंबर वन बनाएंगे, नोट्स टू काउंट, एक नंबर नोट किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लोन फ्रॉम बंधन बैंक, कितने का लोन लिया बेटा इसने, 4 लाख का। अब एंट्री पास नहीं करते तो नीचे दिखाते हैं ना बेटा क्या लिखाएंगे, सिक्योर्ड कितने के थे बेटा, कितने डिबेंचर इश्यू किए इसने, 4 लाख के ना, 8% डिबेंचर और भी। अब डिबेंचर कितना 100 वाला है, अब कुछ नहीं लिखा तो अब सिक्योर्ड इश्यूड बाय कितने परसेंट है, 8% डिबेंचर ऑफ रुपी 4 लाख, बस इसका टोटल कितना आया 4 लाख, और ये 4 लाख हमने यहां दिखा दिया। अगली बात समझे, ये कब करना है आपको, जब एंट्री पास नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन में ये कहे सेकंड मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो देखो मेरी बात सुनो, अभी एंट्री सिखाई है आपको मैंने, नोट मत करो बेटा, रुक जाओ फिर। तो दिनेश सर क्या करोगे, देखो आप लोन की एंट्री दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लोन लेने की एंट्री सबको आती है। लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बंधन बैंक से लोन लिया तो क्या लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री तो ऊपर भी कर सकते थे और यहां पर भी कर सकते हैं, समझ आ गई मेरी बात। बैंक से लोन लिया तो एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री सबको आती है। बैंक लोन हमारी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। बैंक से पैसे लिए लोन लेते हैं तो लोन का पैसा हमारे खाते में आता है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो हमारे एसेट है डीआर, और बैंक को वापस देना तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होती है, सीआर होती है। कितने का लोन लिया आपने, 4 लाख, ये एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, ये एंट्री तो आप ऊपर भी कर सकते थे, लोन लेने की एंट्री तो दोनों केस में होगी। बात सॉरी बात किसकी हो रही है, कोलेटरल सिक्योरिटी की, वो एंट्री ये है सर। ये क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये बुक बड़ा पागल है, सीरियसली बता रहा हूं, जब कहते हैं एंट्री वेस्ट, एंट्री पास, जब ये भी एंट्री करके दिखाता है, मैंने एग्जांपल देखे हैं आपके सारे, क्योंकि बुक तो यही चलती है ना, फिर इसी को फॉलो करेंगे चेक करने वाले, तो एंट्रीज पास तो ये एंट्री करके दिखा देता है और वो सस्पेंस वाली करके दिखा देता है और यहां करके दिखा नहीं रहा। लेकिन ये तो कॉमन एंट्री है दोनों में, लोन ले, अच्छा लोन लेने की एंट्री इसमें भी होगी ना, इसमें भी होगी सर, यहाँ क्यों नहीं, क्वेश्चन का ही नहीं वैसे, यहाँ का एंट्री करो तो लोन वाली भी दिखा दी, मेन एंट्री ये है सस्पेंस वाली, अभी सिखाई जो मैंने आपको, क्या एंट्री होगी, डिबेंचर बोलो बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 2.8% डिबेंचर, ये एंट्री की बात कर रहा हूं मेन, ये एंट्री है मेन, आई बात सुन में, इस एंट्री की बात कर रहा है। अब प्रेजेंटेशन सेम है बेटा, बस वहां वो डाइजेस्ट करके नील दिखा देंगे बस इतना, अभी आगे 2-3 दे रखे हैं आप करके देख लेना, इसका कोई वो महाभारत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट करके दिखाना है ठीक है। आप कैसे दिखाएंगे सुनो ध्यान से, वही बेटा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे अपने, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना ले अपने, या नोट और यह अमाउंट आएगी, इस साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें सबसे हेडिंग लगेगी नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसका क्या बनेगा नोट नंबर वन, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाओ, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स, ये अलग है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन किसे लिया बताओ, लोन फ्रॉम बंधन बैंक, कितने का लिया आपने, 4 लाख का। अब उसके नीचे देखो बेटा,
डिबेंचर कितने थे, कितने परसेंट थे, 8% डिबेंचर कितने के, ये एंट्री की ना आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 8% डिबेंचर, ये एंट्री 4 लाख से की है ना आपने। बोलो बेटा डिबेंचर कितने, 4 लाख, लेस करेंगे इसमें से क्या, डिबेंचर सस्पेंस कितना 4 लाख, तो बाहर कितना आएगा नील, इसका टोटल कितना आएगा बताओ, इसका कॉलम का 4 लाख, ये 4 लाख एक नंबर नोट का यहाँ आ गया। सेम ये है देख लो, इसमें सिर्फ ये ब्रैकेट में दिखाते हैं, इसमें ऐसे अलग अलग दिखाते हैं, कोई फर्क पड़ा इससे नहीं पड़ा, नोट कर लो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, बीबी लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ ₹5 लाख, कितने का लोन लिया बेटा, 5 लाख का फ्रॉम ए बैंक गिविंग ₹6 लाख डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, लोन 5 लाख का था, गारंटी 6 लाख के कोलेटरल की, ज्यादा हो सकती है बराबर भी हो सकती है, ठीक है। अब कहता है पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग टू इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब क्वेश्चन ने साफ कह दिया कि इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री वाला, मतलब सेकंड मेथड से करवा रहा है आपसे वो, ठीक है जी। इफ एनी एंड शो द लोन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, मतलब आपको कौन से मेथड से करना है बताओ बेटा, सेकंड मेथड से। अब सुनो, आपने बैंक से लोन कितना लिया, 5 लाख का, सुनो इधर देखो बेटा प्लीज, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बेटा प्लीज कीप साइलेंट, लोन कितने का लिया, 5 लाख का, बात नहीं करनी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन यहां कितना आ जाएगा बताओ बेटा, अरे बोलो 5 लाख आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए हैं, 9% डिबेंचर, यहां कितना आ जाएगा, 6 लाख, आ गया बेटा, सुन लो मैंने क्वेश्चन करा दिया, यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या जाएगा, 6 लाख। सेम लिखोगे, यहां लोन कितने का है, 5 लाख आ जाएगा, बोलो बेटा, ये भी सेम लिखेंगे, लोन फ्रॉम बैंक आ जाएगा, बैंक का नाम नहीं है ना इसमें, बैंक कितना आ जाएगा, 5 लाख, यहां पर 9% डिबेंचर कितने, 6 लाख, और डिबेंचर सस्पेंस कितना, 6 लाख, बाहर क्या जाएगा, नील,
बोलो इसका टोटल कितना आएगा, 5 लाख, ये 5 लाख यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? लिखू? लिख देता हूँ, लिख लोगे? लिखो, जहां जहां अमाउंट चेंज किए वहां चेंज करके दोबारा लिखो, लिखो। हाँ तो लिखा हुआ है, मैंने तो अमाउंट ही बदलनी, मैं तो बदल दूंगा अमाउंट यहाँ पे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, अब आपको ये नहीं पता लग रहा है कि कहां पे क्या अमाउंट आएगी, मेरे को कहता आप बदलो, कर लोगे ना? ऐसे टाइम पास करने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। एक्स लिमिटेड टुक लोन रुपी 3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, द कंपनी इश्यूड, आपने 3 लाख का लोन लिया बेटा, कंपनी ने इश्यू किए 4,100 रुपए वाले 4 लाख, तो यहां पर लोन 3 का और डिबेंचर कितने के 4 के। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी शो हाउ दीज आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कहते हैं इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। अब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, तो आप फर्स्ट से कर दो या दोनों से कर दो, मैं तो कहता हूं दोनों से करो ज्यादा बढ़िया है। आप देख लेना पेपर में 2 नंबर का आया हो तो पहले से कर देना, पेपर में 5 नंबर का आया हो तो दोनों से कर देना, लेकिन आप ये देखना अगर टाइम कम हो तो पहले मेथड, पहला मेथड करना, पहला प्रेफरेंस होती है, पहले मेथड से करके नीचे नोट लिखना, वी आर एज्यूम दैट कि कंपनी फर्स्ट मेथड फॉलो करती है, समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी। अगली, वैसे दोनों से करो तो दोनों से कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर, प्लीज क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 30। ये 30 वाला कहता दोनों से करना है, वही मेरी तरह एक और दो बना रखे हैं इसने, जैसे मैंने आपका एग्जांपल कराया था राम लिमिटेड वाला। चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर क्या, टॉपिक कंप्लीट, सॉरी। अब वो टॉपिक अब आया है जो मैं आपको पहले करा चुका, कंडीशनल इश्यू। कंडीशनल इश्यू क्या था सुन लो, वो दो तरीके के हैं, एक तो सिंपल इश्यू। सिंपल इश्यू क्या, डिबेंचर इतने का इश्यू किया, एप्लीकेशन लिया, अलॉटमेंट लिया, फर्स्ट को लिया, सेकंड को लिया, आती है हमारे को, ठीक है। और कंडीशनल इश्यू क्या था, डिबेंचर इतने का इश्यू किया, उसके साथ साथ वो रिडेम्पशन कब कितने पर होगा। तो मैंने कहा था ना फेस वैल्यू से ज्यादा देगा तो उतना लॉस बुक करेंगे, उतने का क्या बना लेंगे प्रोविजन, उसी एंट्री के अंदर एडजस्ट कर दो या वो एंट्री अलग से कर दो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बहुत आपको, लेकिन इसके इसने क्वेश्चन दे रखे हमारे को 31 से लेके 36 अभी करवा रहा हूं मैं, दो तीन आप घर पे ट्राई कर लेना, इजी हम कर चुके हैं एग्जांपल बना बना के। मैंने केस नहीं बनाया, केस फर्स्ट, केस सेकंड, कितने कराए थे आपको, सेम है वो बेटा। चलिए तो कल मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका। देखो बेटा जल्दी से प्लीज, बात बात नहीं करनी बेटा, केस 31 ये क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं आपको और आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखना। बाद में एक बोलना दोबारा बताना सर क्या बोल रहे थे सर, आई मेरी बात समझ, ऐसे मत बोलना। जनरल द फॉलोइंग, कहता आपको ये जनरल एंट्री करनी है, देखो ऊपर क्या इश्यू डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, कहता रिडम्पशन की टर्म्स का मतलब होता है कंडीशन, शर्त, और मैंने इसका शॉर्ट में क्या नाम लिख रहा है, कंडीशनल इश्यू, ठीक है। अच्छा जनरल द फॉलोइंग, कहता इनकी एंट्री करो, ए डिबेंचर इश्यूड एट रुपी 95, रीपेएबल एट रुपी 100, मतलब समझ गए, ये छोटे छोटे केस बना दिए इसने। कहता डिबेंचर कितने में इश्यू, सर कितने डिबेंचर इश्यू किए, क्वेश्चन ने बताया इसका मतलब एक डिबेंचर के मान के करना है आपको, जो मैं समझाता हूं ना आपको वैसे ये कह रहा है। तो इसके अंदर 31 नंबर क्वेश्चन में ए पार्ट, डिबेंचर कितने का इश्यू किया बेटा हमने, 95, बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, तो एप्ली से एप्ली कटगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे दो तीन पार्ट, तो ऐसे कर देना, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटगी, तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, पैसे आए डिबेंचर इश्यू कर दिए, कितने में इश्यू किया आपने, 95 में, तो आपको लॉस हो गया 500 रुपए, लॉस आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये 95, ये 5 और ये 100, वो लिखेंगे अपने बीच में जगह कम रहेगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR, बोलो समझ आया कि नहीं आया, जगह नहीं थी बेटा मेरे पास, समझ गए होंगे आप शायद, बोलो बेटा। चलिएगा सेकंड केस देखो, अब सेकंड केस सॉरी सुनो, इसका रिडम्पशन कितने में होगा, 100 में, मरिंदर रिडम्पशन पे लॉस कितना है, 0 है, तो कुछ भी नहीं करना, हो गया केस फर्स्ट, हो गया बेटा। अब बी पार्ट, डिबेंचर इश्यू कितने में किया, 95 में, तो सुनो
बैंक अकाउंट डेबिट कितना 95। बोलो बच्चों, चलो पूरा ही करवा देता हूँ। टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना बेटा 95। फिर अगली एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 95। वहां पे मैंने एप्लीकेशन वाली एंट्री की डायरेक्ट दोनों को काट के एक कर दी थी, ठीक है 95। 100 वाला आपने कितने में इश्यू किया 95 में, ₹5 क्या आपको लॉस, क्या लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना DR 5 और 2 डिबेंचर 100। बोलो बात समझ आ गई है। आप रिडम्पशन कितने में 95 में इशू किया, रिडम्पशन कितने में करोगे 105 में, तो आपको रिडम्पशन पर भव्य लॉस कितना होगा ₹10। वेरी गुड जैस्मिन, ₹5। फेस वैल्यू देखनी है, अपना फेस नहीं देखना। जैसे तूने कल फेस अपना देख के सॉन्ग लगाया हुआ था, सॉन्ग लगाया था। हाँ ओके, चलिएगा, कीप साइलेंट। अभी भी फेस नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ। अरे समझ गया, अरे व्हाट इज अरे, फिर क्या हो गया, तेरे जैसे बदतमीज भी देखेंगे ये रिकॉर्डिंग, अरे तो नहीं बोलेंगे है बेटा। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, गलत तो नहीं है। लिसन बी केयरफुली, मैंने कहा था लॉस कितना हुआ, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ₹10 हुआ, लेकिन ₹5 डिस्काउंट लॉस तो हमने बुक कर लिया इश्यू के टाइम पे, तो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस कितना है 5। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, फेस वैल्यू से ज्यादा दिया वो लॉस होगा रिडम्पशन पे। आप इतनी सी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, है ना, लिख लो इसको, फेस वैल्यू से ज्यादा होगा वो लॉस होगा, तो कितना लॉस है ₹5। अब उसकी एंट्री यहीं एडजस्ट कर दो या अलग से कर दो, क्या लिखोगे बोलो बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना बेटा 5। 5 का दम, आई बात समझे, बोलो बेटा कोई डाउट है क्या। चलिए सी पार्ट प्लीज बेटा, सी देखिए, ए डिबेंचर इश्यूड एट ₹100, डिबेंचर कितने में इश्यू किया आपने 100 में, और रिडम्पशन कितने में होगा तो ₹5 लॉस है, कर लोगे ये इजी लगने लग गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट छोड़ दो, डिबेंचर एप्ली कितने 100, डिबेंचर एप्ली अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 100, लॉस कितना होगा बताओ 5, क्या लिखोगे, ये एंट्री इसके साथ भी कर सकते हैं लेकिन अलग से कर रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अकाउंट डेबिट टू क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना लॉस है ₹5। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 36 है, बोलो कर लोगे, मैंने करवाए हुए बेटा आपको ये सारे कंसेप्ट, तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है, आप कल करके आओगे, आप इसकी क्वेश्चन की फोटो खींच लो बेटा 32 से 36 पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा। कंडीशनल इश्यू इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फोटो खींच, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, तुम मत बोलना गलती से भी 5:30 बोलना मत बीच में। नेक्स्ट टॉपिक देखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, देखो 5 मिनट तो अभी पड़े हैं, मेरा राइट है उस पे, तो उस बेटा आप रोज ही जाते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कोई नहीं बेटा मैं छोड़ाऊंगा,
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सुनो बेटा, लिसन मी प्लीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सुनो बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी। होता क्या है, कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए तो कंपनी उनका रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स करेगी बेटा। जैसे रिलायंस कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किया पब्लिक से, पब्लिक से डिवेंचर मतलब इश्यू किए, पब्लिक ने खरीद लिए, और रिलायंस कंपनी ने एक तरीके का बेटा लोन लिया है। क्या लिया है? लोन। वो टॉपिक खत्म हो चुके हैं सारे। अब डिवेंचर के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं वो है। लोन लिया और कंपनी कहती कि सुनो बेटा प्लीज, 12% डिवेंचर इश्यू किए कंपनी ने, कौन से 12% डिवेंचर, ठीक है जी, 10 लाख रुपए के। और कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है तो ये बोलती है कि हम इन डिबेंचर्स पे हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे। 12% क्या देंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल। अब इंटरेस्ट की पेमेंट हाफ ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, या ईयरली हो सकती है। मेनली हमारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें या तो ईयरली पेमेंट होगी इंटरेस्ट की, या क्या होगी, हाफ ईयरली होगी। बस मतलब 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता है या साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ आ गई मेरी बात? तो क्वेश्चन में जैसे कहेगा अब कंपनी ने वो इंटरेस्ट पे करना है, तो कंपनी वो इंटरेस्ट पे करेगी किसको? डिबेंचर होल्डर को। सर क्यों? क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से उधार पैसे ले रखे हैं। जब तक कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं करेगी तब तक कंपनी को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बेटा डिवेंचर क्या है? एक लोन है जो कंपनी ने लिया है पब्लिक से। समझ आ गई मेरी बात? तो लोन के ऊपर क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट पे करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, ए पार्ट, इफ टीडीएस, क्या लिखा मैंने, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हिंदी में बोलते उद्गम स्थान पे कर की कटौती। बड़ी घोर अन्याय है कि हम हिंदुस्तानियों के हिंदू नहीं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पे कर की कटौती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर? कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, टैक्स। डिडक्ट का मतलब होता है कटौती, सोर्स का मतलब उद्गम, जहां से इनकम क्या हुई, अराइज हुई, उदय हुई, समझाया? तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती। मतलब होता क्या, ये इनकम टैक्स का टॉपिक आ गया बेटा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स में क्या होता है प्लीज, बहुत पढ़ाया बेटा टैक्स। इनकम टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। जैसे आपको अपनी फैमिली रन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। हमारी फैमिली में जितना फंड होगा उतनी ही हमारी फैमिली बड़ी स्मूथली चलेगी। देखो समझ रहे मेरी बात को? तो हमारी फैमिली में फंड कहां से आता है बेटा? हम पैसा, फंड का मतलब पैसा, पैसा कहां से आता है? हमारे पेरेंट्स से, मदर है, फादर है या ब्रदर है, वो इनकम अर्न करते हैं। जिस फैमिली की जैसी इनकम है वैसा ही उसका स्टेटस बन जाता है। मानते हो आप मेरी बात? ठीक है, एक बच्चा आएगा वो 10 लाख की गाड़ी में भी आता है, एक बच्चा बाइक पे भी आ रहा है, एक ऑटो में भी आ रहा है, एक साइकिल पे भी आ रहा है और एक पैदल भी आ रहा है। ठीक है, रीजन कि वो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, जितनी सुविधाएं आपकी फैमिली वाले दे रहे हैं, क्लियर है? तो जिसको अपनी फैमिली को भी रन करने के लिए हमारे को पैसा चाहिए, एक छोटी सी फैमिली 5-7-10 मेंबर की, उसमें भी पैसा चाहिए, तो हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, हमारी कंट्री को भी चलाने के लिए क्या चाहिए बेटा? पैसा चाहिए। अब हमारे पास पैसा, हमारी फैमिली के पास पैसा कहां से आता है? हमारे पेरेंट्स से मिलता है हमारे को। ठीक है, ऐसे ही हमारे को हमारी कंट्री चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, वो पैसा कहां मिलेगा? सरकार से मिलेगा। सरकार को कहां से मिलेगा? हमारे पेरेंट्स से, सरकार की पेरेंट्स। सरकार के पेरेंट्स कौन है? पब्लिक है बेटा। पब्लिक सिलेक्ट करती गवर्नमेंट किसकी बनेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, किसकी फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन पब्लिक के लिए करती है। सर पब्लिक के लिए करती है? मेरे घर तो मोदी 1 रुपया नहीं देके गया बेटा। जिस रोड से आप चल के आए हो बाइक पे आयो ना, वो रोड आपके पिताजी ने बनवाई है, गवर्नमेंट ने बनवाई है। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन है,
बस स्टैंड है, वहां जाते हो सर वहां टिकट लेके जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है वो किसने बनवाया है जहां आप वेट करते हो? बस स्टैंड है, समझो। तो पुलिस है, कोई दिक्कत आती है पुलिस को फोन करते। ये सब सुविधाएं कौन दे रही है? गवर्नमेंट। और इन गवर्नमेंट इंप्लॉइज को सैलरी कौन दे रहा है बेटा? गवर्नमेंट दे रही है। और किस, वो पैसा कहां से? टैक्स के पैसे में से दे रही है। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय को पेमेंट जो मिलती है वो टैक्स के पैसे में से मिलता है। अब हम कहते हैं टैक्स तो हम देना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट इंप्लॉय की सैलरी 5 लाख हो, वो पॉसिबल कैसे है बेटा? अब रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद। जय श्री श्याम। अब सुनना।